इंदापूरमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार अझरुद्दीन याने हजेरी लावली आणि इंदापूर क्रिकेट मैसल काल संध्याकाळी इंदापूरमध्ये गेल्या 20 दिवस सुरू असलेल्या ग्रामदैवत इंद्रेश्वर चषक क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम सामना अकलूज विरुद्ध आंबेगाव असा झाला। या सामन्यासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार अष्टपैलू क्रिकेटपटू अझरुद्दीन याने उपस्थिती दर्शवली। यावेळी अझरुद्दीन यांचे इंदापूर नगरीमध्ये मोठ्या उत्साहात फटाक्यांच्या आतिषबाजीमध्ये ढोल ताशांच्या गजरात स्वागत करण्यात आले। यावेळी ग्रामदैवत इंद्रेश्वर चषकावर अकलूज या संघाने नाव कोरलं। तो वहीं के लड़कों में ज़्यादा टैलेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो सिटी से लड़के बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट में जो लड़के रहते हैं उनको भूख ज़्यादा रहती है आगे बढ़ने की, क्योंकि उनकी इच्छा रहती है कि आगे बढ़ें और आगे खेलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट जब होते हैं तो ठीक है, टेनिस बॉल से आप क्रिकेट बॉल में भी से खेलना चाहिए, क्योंकि वही आपको अगर आप आगे बड़ी क्रिकेट खेलना है तो राजस्थान में उसमें खेलना पड़ेगा। ये जो छोटे टूर्नामेंट है ये आपको एक मौका देते हैं कि आपको ऊपर जाने का। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं बहुत दाद दूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और यहाँ पे टूर्नामेंट किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, साहब ने आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। कह रहे थे कि वो पीछे से काम कर रहे, तो बट लगता नहीं कि ऐसा पीछे से काम करेंगे तो ऐसा काम होगा। बट बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे काम किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इंस्टेड ऑफ 6 ओवर की बजाय मेरे ख्याल में 10 ओवर का होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 6 ओवर बहुत कम होते हैं, क्योंकि जहाँ तक के मैच होता हूँ बट लेकिन जो टूर्नामेंट जो करते हैं वो क्या उनके वो रहते हैं वो नहीं जानते हैं। बट लेकिन मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आए हुए और मैं वेट कर रहा हूँ कि ग्राउंड पे जाकर। प्रतिनिधि जितेंद्र जाधव सह आधार न्यूज इंदापुर। अशा ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आधार न्यूजला सब्सक्राइब।